आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट 1996 इंक्लूडिंग एडीआर सिस्टम, ये हम लोग पढ़ेंगे ठीक है। एलएलबी सिलेबस में ये है। सैलियंट फीचर ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट 1996, इसमें क्या है? तो इंडियन आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 में पहला बार ये आया था, 1940 में वॉज इन फोर्स इन द कंट्री ठीक है। ये क्या था, बहुत ज़्यादा बड़ा था और कन्फ्यूजन भी था इसमें ठीक है। नॉट एबल टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द टाइम, ओल्ड हो गया था ठीक है। नॉट एबल टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द टाइम। सेकेंड क्या है, आर्बिट्रेशन एंड उसके बाद 1940 के बाद 1996 में एक आया आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996। इसमें क्या बोलते हैं कि आर्बिट्रेशन प्लस कॉन्सिलिएशन इज रिकॉग्नाइज्ड एज मीन्स ऑफ सेटलिंग कमर्शियल डिस्प्यूट्स। मतलब जो भी कमर्शियल डिस्प्यूट्स अगर हो रहा हो उसको सेटल करने के लिए आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन के थ्रू किया जा ठीक है। ये दो चीज़ है। अब इसमें ये सेकंड नंबर क्या है कि इंटरनेशनल प्लस डोमेस्टिक कमर्शियल डिस्प्यूट्स कैन बी रिजॉल्व। ये दोनों करता है, इंटरनेशनल भी और डोमेस्टिक भी ठीक है। ये डिफरेंस क्या होता है, कॉन्सिलिएशन एंड आर्बिट्रेशन का डिफरेंस है क्या में? तो कॉन्सिलिएशन में क्या होता है कि ये एमिकेबल सेटलमेंट कराता है, मतलब म्यूचुअल बैठा के और दोनों को मेडिएशन करेगा और उसमें डिस्प्यूट अगर रिजॉल्व हो गया तब तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो आर्बिट्रेशन में आता है। आर्बिट्रेशन में क्या होगा कि ये भी ट्राई करेगा एमिकेबल सेटलमेंट करने के लिए दोनों को बैठा के, लेकिन इसमें तुम्हारा एक और चीज़ है मेकिंग एन अवार्ड, मतलब ऑर्डर पास करने का इसके पास वो फैसिलिटी है ठीक है। तो कॉन्सिलिएशन में सिर्फ सेटलमेंट कराएगा लेकिन आर्बिट्रेशन में दोनों करा सकता है। तो कॉन्सिलिएशन, अब छोटा पॉइंट में देख लो, कॉन्सिलिएशन जो उसका क्या होता है, कॉन्सिलेटर होता है ठीक है, ये सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स करता है। आर्बिट्रेशन में क्या होता है, आर्बिट्रेटर होता है, ये करता क्या है, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स एंड अवार्ड, ये दोनों काम करता है ठीक है। ये सेटलमेंट कराता है और अवार्ड भी पास करता है। थर्ड नंबर आ जाओ, कंसिस्ट्स ऑफ ये आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 में ये कितना सेक्शन इसमें है, तो 86 सेक्शंस है, 4 पार्ट्स है। पहला पार्ट जो है, पार्ट 1 जो है वो आर्बिट्रेशन इन इंडिया के बारे में है, जो कि 2019 में इसको इंसर्ट किया गया था। पार्ट 1 ए डील्स विद द आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया ठीक है। पार्ट 1 ए जो है वो क्या करता है, आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया में डील करता है। पार्ट 2 क्या बोलता है, टोटल 4 पार्ट है, 4 पार्ट में से पार्ट 1 आर्बिट्रेशन इन इंडिया जो कि इंसर्ट किया गया था थ्रू अमेंडमेंट इन 2019। पार्ट 1 ए डील्स विद द आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया ठीक है। पार्ट 2 क्या होता है, इन्फोर्समेंट ऑफ फॉरेन अवार्ड अंडर द न्यूयॉर्क जेनीवा कन्वेंशन, जो कि फॉरेन, मतलब मान लो कि कुछ डिस्प्यूट हुआ ठीक है इंटरनेशनली, उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए और उसको इन्फोर्समेंट लाने के लिए ये पार्ट 2 बनाया गया ठीक है। तो इन्फोर्समेंट ऑफ फॉरेन अवार्ड्स अंडर द न्यूयॉर्क एंड जिनेवा कन्वेंशन। पार्ट 3 में क्या बोलता है कि प्रोविजन रिलेटिंग टू कॉन्सिलिएशन ठीक है। पार्ट 1 क्या है, प्रोविजन रिलेटिंग टू आर्बिट्रेशन। पार्ट 3 प्रोविजन रिलेटिंग टू कॉन्सिलिएशन ठीक है। पार्ट 4 क्या बोलता है, सप्लीमेंट्री प्रोविजन्स। पार्ट 4 में जो अगर कुछ बचा हुआ है तो उसमें होगा, पार्ट 4 में दिया जाता है। उसमें क्या बोलता है कि इम्पावरिंग द हाई कोर्ट, क्या इसको पावर क्या दिया जाता है, टू मेक रूल्स रिगार्डिंग आर्बिट्रेशन विच आर कंसिस्टेंट विद द एक्ट ठीक है। तो हाई कोर्ट को इम्पावर किया गया है कि वैसा रूल बनाए जिसमें कि अगर इनकंसिस्टेंट, मतलब कंसिस्टेंट विद दिस एक्ट, विच एक्ट, आर्बिट्रेशन, दिस वन आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट 1996 ठीक है। अब आगे आ जाओ, बाई द अमेंडमेंट 2019। अब इसमें 2019 में क्या अमेंडमेंट हुआ था, एक्ट ऑफ 33 ऑफ 2019, इसमें बोल रहा है कि हैव इट्स शेड्यूल, 8 शेड्यूल है। पहला जो शेड्यूल है वो किस चीज़ का रिलेटेड है, वो है कन्वेंशन ऑन द रिकॉग्निशन एंड इन्फोर्समेंट ठीक है। रिकॉग्निशन देगा और इन्फोर्स करेगा ऑफ फॉरेन नेशनल अवार्ड्स
पहला शेड्यूल यही है कि अगर नेशनली नेशनल अवार्ड अगर कुछ दे रहा है, फॉरेन नेशनल अवार्ड, ठीक है, मतलब इंटरनेशनल वाला तो बात हो गया, तो कन्वेंशन ऑन द रिकॉग्निशन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ ए फॉरेन नेशनल अवार्ड। सेकेंड शेड्यूल क्या बोलता है कि कंटेन्स द जिनेवा प्रोटोकॉल ऑन आर्बिट्रेशन क्लॉजेज, ठीक है। पहला, फॉरेन अगर कुछ अवार्ड किया गया है, अवार्ड इन द सेंस कुछ ऑर्डर दिया है, ठीक है, ऑर्डर इसलिए बोल रहे हैं, ऑर्डर एक्चुअली कोर्ट में होता है बट इसमें समझाने के लिए बस बोल रहे हैं, ठीक है। तो अगर कुछ कुछ अवार्ड अगर दिया जा रहा है इंटरनेशनली, उसको इम्प्लीमेंटेशन में लाने के लिए, इन्फोर्समेंट लाने के लिए और रिकॉग्नाइज करने के लिए फर्स्ट शेड्यूल है। सेकंड शेड्यूल क्या बोलता है कि कंटेन्स द जिनेवा प्रोटोकॉल ऑन आर्बिट्रेशन क्लॉजेस, ठीक है। आर्बिट्रेशन क्लॉजेस के ऊपर में जो भी जिनेवा कन्वेंशन में डिस्कशन हुआ था उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है, या उसमें रखा हुआ है। थर्ड शेड्यूल क्या बोल रहा है, इम्बॉडीज द प्रोविजंस रिलेटिंग टू कन्वेंशन ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड्स, ठीक है। क्या बोला ये थर्ड, कि इम्बॉडीज द प्रोविजंस, ठीक है, क्या चीज़ का, किसका रिलेटेड, कन्वेंशन ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ फॉरेन आर्बिट्रेशनल अवार्ड, मतलब जो ये इसमें ये प्रोविजंस है जो कि अगर जो कन्वेंशन, मतलब जो अवार्ड फॉरेन अवार्ड हुआ है उसका एग्जीक्यूशन लाने के लिए, तो उसको एग्जीक्यूट कराओ, इम्प्लीमेंट कराओ, ठीक है। फोर्थ शेड्यूल क्या बोलता है कि मॉडेस्ट फ्री, ठीक है, मॉडेस्ट फ्री अकॉर्डिंग टू द सम इन्वॉल्व इन द आर्बिट्रेशन, ठीक। फिफ्थ शेड्यूल एक बार देख लेना ये सब, ऐसे मैं रीड आउट कर दे रहा हूँ। आर्बिट्रेटर्स रिलेशनशिप एज पर सेक्शन 12 सबसेक्शन 1, ठीक है। तो ये क्या बोला फिफ्थ शेड्यूल, आर्बिट्रेटर्स रिलेशनशिप एज पर सेक्शन 12, ठीक है। सिक्स क्या बोला, सिक्स शेड्यूल, कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ द आर्बिट्रेटर्स, कैपेसिटी ऑफ आर्बिट्रेटर टू फिनिश, ठीक है, फिनिश द असाइन आर्बिट्रेशन विद इन 12 मंथ्स, ये वाला याद है, सेक्शन 12 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी, ठीक है, सेक्शन 12 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी, ये है उसी इसी में, ये थोड़ा सा देख लेना। ये क्या बोला, कंडक्ट डिटेल्स ऑफ द आर्बिट्रेटर्स, ठीक है। पहला बोला कि कंडक्ट, सिक्स में दो पार्ट है, सिक्स को दो में डिवाइड किया गया। पहला डिवीजन ये है, पहला पार्ट ये है कि कंडक्ट डिटेल्स ऑफ आर्बिट्रेटर, जितना आर्बिट्रेटर है उसका डिटेल्स लो। उसके बाद कैपेसिटी ऑफ आर्बिट्रेटर्स टू फिनिश द असाइंड आर्बिट्रेशन विद इन 12 मंथ्स, ठीक है। अगर 12 महीने के अंदर में क्या कर सकता है कि नहीं, अंडर सेक्शन 12 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी। सेवन शेड्यूल में क्या बोलता है, सेवन शेड्यूल में डिस्क्रिप्शंस ऑफ आर्बिट्रेटर्स रिलेशनशिप विद द पार्टीज काउंसिल डिस्प्यूट, डिस्क्रिप्शंस ऑफ आर्बिट्रेटर्स रिलेशनशिप विद द पार्टीज काउंसिल डिस्प्यूट इटीसी। एट क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस ऑफ, ठीक है ना, ये वाला सेवन समझ में आ गया। एट क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ आर्बिट्रेटर, उसका क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस क्या होगा, ये ख़त्म हुआ। अब आ जाओ, दिस एक्ट इज़ एन एक्सप्लेनेटरी लेजिस्लेशन। अब एक्सप्लेनेटरी लेजिस्लेशन का मतलब क्या है, कैसे इसको डिटेल में एक्सप्लेन, मतलब एक्सप्लेन किया गया वो देखो। डिफाइंस द टर्म इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, ठीक है, इंटरनेशनल कमर्शियल जो आर्बिट्रेशन है उसको डिफाइन किया गया। टू मीन एन आर्बिट्रेशन रिलेटिंग टू डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ लीगल रिलेशनशिप वेदर कॉन्ट्रैक्चुअल और नॉट, ठीक है, कंसिडर्ड एज कमर्शियल अंडर द लॉ इन्फोर्स इन इंडिया एंड वेयर एटलीस्ट वन ऑफ द पार्टीज वेदर एन इंडिविजुअल बॉडी कॉरपोरेट और अ कंपनी इज हैविंग बिजनेस और रिसाइडिंग अब्रॉड एंड इन केस ऑफ गवर्नमेंट द गवर्नमेंट इज ऑफ अ फॉरेन कंट्री, समझे, एक बार और पढ़ लो। पहले बोल रहा है कि टू मीन एन आर्बिट्रेशन रिलेटिंग टू डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ लीगल रिलेशनशिप वेदर कॉन्ट्रैक्चुअल, अगर कॉन्ट्रैक्चुअल है या नहीं, कंसीडर एज कमर्शियल अंडर द लॉ इन्फोर्स इन इंडिया, ठीक है। इसको क्या बोलता है कि कंसीडर क्या करता है कि कमर्शियल है अंडर द लॉ इन्फोर्स इन इंडिया, इंडिया के लॉ के हिसाब से, एंड उसके बाद एंड वेयर एटलीस्ट वन ऑफ द पार्टीज वेदर एन इंडिविजुअल बॉडी, मतलब एक भी पार्टी जो कि या तो इंडिविजुअल हो, बॉडी हो,
या कॉरपोरेट बॉडी, कॉरपोरेट और ए कंपनी हो, ठीक है, इज़ हैविंग बिजनेस और रिसाइडिंग अब्रॉड, मतलब मान लो कि एक कंपनी है, ठीक है, उसका यहाँ पे सेटलमेंट है इंडिया में, ठीक है, उसका एक बॉडी बाहर में भी हो, मतलब एक पार्ट एक कंपनी, तो वेदर एन इंडिविजुअल और बॉडी और कॉरपोरेट और ए कंपनी इज़ हैविंग बिजनेस और रिसाइडिंग अब्रॉड, ठीक है, एंड इन केस ऑफ गवर्नमेंट द गवर्नमेंट इज़ ऑफ अ फॉरेन कंट्री, उस केस में दिस एक्ट इज एन एक्सप्लेनेटरी लेजिस्लेशन, उस एक्ट उसी को ये इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन बोला जाता है। डिफाइन द टर्म इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, उसी चीज़ को बोल रहा है कि कौन है इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है, इजी है, समझ गए होगे। रिगार्डिंग द क्वालिफिकेशन ऑफ द आर्बिट्रेटर अंडर 8th शेड्यूल ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन अमेंडमेंट एक्ट 2019, इसमें क्या बोलता है, क्वालिफिकेशन ऑफ द आर्बिट्रेटर का क्या है, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ आर्बिट्रेटर क्या है, एवोल्यूशन ऑफ एम्पायर सिस्टम बाई एक्ट ऑफ 1996, आर्बिट्रल अवार्ड एंड द सेटलमेंट अराइव एट ड्यूरिंग कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग्स हैव बीन ट्रीटेड एट पार विद द डिक्री ऑफ द कोर्ट, दैट इज आर्बिट्रल अवार्ड इज इन्फोर्सिबल इन द सेम मैनर एज अ डिग्री ऑफ ए सिविल कोर्ट, अगर कोई अवार्ड अगर निकला है, दिया गया है उससे आर्बिट्रेशन से, तो वो क्या होगा, वो उसी हिसाब से अवार्ड को एग्जीक्यूट कराया जाता है जैसे कि सिविल का कोई डिग्री एग्जीक्यूट कराया जाता है, हो जाता है, ठीक है। द डिग्री ऑफ ए सिविल कोर्ट, द वे द डिग्री ऑफ सिविल कोर्ट is being enforced, same way the award of the arbitrator is also been enforced, okay. The arbitrator has been endowed with the unfettered and plenary powers, and he is completely immune from the court control during the arbitration proceeding. The arbitrator has been endowed with the unfettered एंड प्लेनरी पावर्स एंड ही इज़ कम्प्लीटली इम्यून है, बचता है, मतलब एकदम बचा हुआ है कोई भी फ्रॉम द कोर्ट कंट्रोल ड्यूरिंग द आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग, कोई कोर्ट इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, ही कैन इवन डिसाइड हिज ओन ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है। प्रेजेंट आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 कंटेन सल्यूटरी प्रोविजन मेकिंग इट मैंडेटरी फॉर द आर्बिट्रेटर टू गिव रीजन फॉर द अवार्ड, ठीक है। इट इज़ मैंडेटरी फॉर द आर्बिट्रेटर टू गिव, ये बस एक बार पढ़ लो, ठीक है ना, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, एक पॉइंट है बस समझाने के लिए क्या किया है कि उसका क्या पावर है क्या नहीं है, वही सब चीज़ें। तो इट इज़ मैंडेटरी फॉर द आर्बिट्रेटर टू गिव रीजन फॉर द अवार्ड, ठीक है, जो भी अवार्ड पास करे ये मैंडेटरी है किसके लिए, आर्बिट्रेटर के लिए, कि भाई तो जो तुम अवार्ड पास किए हो दिए हो, ठीक है, वो उसका रीज़न क्या है उस अवार्ड को पास करने का, ये तुम्हें देना हो। इट डिपेंड्स ऑन द पार्टीज, अगर पार्टीज अगर मांगे रीजन तो दिया जाएगा, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, किसके द्वारा, आर्बिट्रेटर के द्वारा। अब आ जाओ, देर इज़ नो प्रोविज़न फॉर अपील, अपील में नहीं जा सकते, देर इज़ नो प्रोविज़न फॉर अपील अगेंस्ट एन आर्बिट्रल अवार्ड एंड इट इज़ फाइनल एंड बाइंडिंग बिटवीन द पार्टीज, ठीक है। अगर तुम आर्बिट्रेशन में गए और आर्बिट्रेशन में अवार्ड अगर दिया गया है, पहले समझ लो आर्बिट्रेटर के पास, ठीक है, ये पावर है, उसका खुद का ज्यूरिडिक्शन वो डिसाइड कर सकता है। सेकेंडली, कोई भी कोर्ट उसमें इन्फोर्स ये नहीं करेगा, इन्वॉल्व नहीं होगा, ठीक है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ आर्बिट्रेशन। अब जब अवार्ड पास होता है तो उसमें दो चीज़ें होता है, अवार्ड देते समय रीजन देना है कि नहीं देना है उसको, कि ये अवार्ड पास किया है, ये अवार्ड दिया है इसके फेवर में, एक आदमी का फेवर में, या मतलब जो भी अवार्ड हो दूसरे को नहीं मिला, तो वो पार्टी सेकंड अपोजिट पार्टी उससे, फर्स्ट पार्टी आर्बिट्रेटर से ये रीज़न मांग सकता है कि आपने जो ये अवार्ड दिया है क्यों दिया, ठीक है। हाउएवर, ठीक, और ये जो अवार्ड है, देर इज़ नो प्रोविज़न फॉर अपील अगेंस्ट एन आर्बिट्रल अवार्ड, अपील में नहीं जा सकते इसको, एंड इट इज़ फाइनल एंड बाइंडिंग बिटवीन द पार्टी। हाउएवर, एन एग्रीव्ड पार्टी मे टेक रिकोर्स टू अ कोर्ट ऑफ लॉ फॉर सेटिंग असाइड द आर्बिट्रल अवार्ड on certain ground specified in section 334 section
Section 34 of the Arbitration and Conciliation Act 1996. समझ गया? लेकिन अगर मान लो कि अपील में तो नहीं कर सकते उस आर्बिट्रेशन का, उस आर्बिट्रेशन का अवार्ड का, लेकिन वो पार्टी सेटिस्फाइड नहीं रहा जो रीज़न उसने दिया, वो क्या करेगा कि वो डायरेक्ट चला जाएगा कोर्ट में, जा सकता है कोर्ट में, लेकिन वो कोर्ट में जाने का किस सेक्शन में प्रोविज़न है? द प्रोविज़न इज़ गिवन अंडर सेक्शन 34 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट 1996. अब आ जाओ सेक्शन 19 क्लॉज 1 ऑफ द एक्ट 1996 का क्या बोलता है. ये बोलता है कि आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल्स शैल नॉट बी बाउंड बाय द सिविल प्रोसीजर कोड. ठीक है, 1908. जो आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल है वो बाउंड नहीं रहेगा किसके द्वारा भाई? सिविल प्रोसीजर कोड 1908 और द एविडेंस एक्ट 1872. बट द प्रोविजंस ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1963 शैल हाउएवर अप्लाई टू आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स. ये लिमिटेशन एक्ट, बट द प्रोविजंस ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1963 ये रहेगा शैल हाउएवर अप्लाई टू आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स एंड इट हैज़ इटसेल्फ प्रोवाइडेड द टाइम लिमिट इन्फोर्सिबल एज पर प्रोविजंस कंटेंड इन द एक्ट ऑफ 1996. आई होप आई एम वेरी मच क्लियर. ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि जो प्रोविजन है सेक्शन 19 क्लॉज 1 ऑफ द एक्ट 1996, इसमें बोलता है कि आर्बिट्रल और ट्राइब्यूनल जो है ये क्या है, शैल नॉट बाउंड. ये बाउंड नहीं है किसके द्वारा भाई? सिविल प्रोसीजर कोड और 1908 और एविडेंस एक्ट से 1872. ठीक है, ये दोनों से ये बाउंड नहीं है, लेकिन किससे बाउंड है? प्रोविजंस ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1963 से है. क्यों? अब शैल हाउएवर अप्लाई टू आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स. ठीक है, एंड इट हैज़ इटसेल्फ प्रोवाइडेड द टाइम लिमिट इन्फोर्सिबल. इसमें भी है कि टाइम लिमिट, विद इन दैट टाइम लिमिट तुम्हें भाई काम करना होगा लिमिटेशन एक्ट के हिसाब से. ठीक है, ये नहीं कि सोए रहो और फिर जाओ 5 साल बाद कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसा नहीं होगा. विद इन दैट टाइम लिमिट आपको अपील में जाना होगा एज पर प्रोविजन कंटेन इन द एक्ट ऑफ 1996. कैन पास इंटरिम ऑर्डर्स. हाँ ठीक है, इंटरिम ऑर्डर पास हो सकता है. द आर्बिट्रल अवार्ड विच इज़ इन कंफ्लिक्ट विद द पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया शैल नॉट बी वैलिड इन लॉ बींग नल एंड वॉइड. ठीक है, एक्ट 1996 में क्या बोलता है? Provides for enforcement of certain foreign awards made under the New York Convention and the Geneva Convention respectively. ठीक है, ये समझे क्या बोलता है कि 1996 में जो प्रोवाइज किया गया था इन्फोर्समेंट ऑफ सर्टेन फॉरेन अवार्ड को, मेड अंडर द न्यूयॉर्क कन्वेंशन एंड द जिनेवा कन्वेंशन. ठीक है, इंटरनेशनल जो भी अवार्ड है ये कब हुआ था कि भाई हर कंट्री को जो भी पार्टिसिपेट किया कि जो भी अवार्ड इंटरनेशनली अवार्ड अगर दिया जाता है तो उस चीज़ को आपको, मतलब स्पेसिफिक पार्टिकुलर कंट्री को, ये डैट मेक श्योर इट गेट्स इम्प्लीमेंटेड. ठीक है, ये चीज़ें दिमाग में रखो. ये दायित्व तो किसके ऊपर आता है? कंट्री के ऊपर आता है कि तुम जाके इसको लागू करवाओ, इन्फोर्स करवाओ. मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट 1996 क्या है भाई? मेन करेक्टरिस्टिक्स ये देख लो एक बार में खा लो इसको. कॉन्सिलेशन एक्ट टोटल सेक्शन कितना है? 86. इसमें प्रियम्बल भी है, एट शेड्यूल्स है. ठीक है, 86 सेक्शंस, प्रीएम्बल, 8 शेड्यूल, ये कंटेन करता है. अब पार्ट कितना होता है? 4 पार्ट होता है. पार्ट 1, पार्ट 2 कहीं नहीं मिलेगा, खा लो. पार्ट 3, पार्ट 4. ठीक है, पार्ट 1 में क्या है? 10 चैप्टर्स है. ठीक है, 10 चैप्टर्स. पार्ट 2 में 2 चैप्टर्स. पार्ट 3 में ये क्या करता है? डील्स विद कॉन्सिलिएशन. पार्ट 4 प्रोवाइड सप्लीमेंट्री प्रोविजंस. अब पार्ट 1A जो होता है वो डील्स विद आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया. ठीक है, ये क्या करता है? डील्स विद आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया. समझ गए? एक बार इसको बुझा देते हैं. मेन करेक्टरिस्टिक ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट 1996, इसमें क्या बोलता है? 86 सेक्शन है, प्रीएम्बल कंटेन करता है, मतलब ऊपर प्रीएम्बल से बोलो, प्रीएम्बल है, 86 सेक्शंस है, 8 शेड्यूल्स है, 4 चैप्टर्स है, 4 पार्ट है, सॉरी. ठीक है, अब क्या है? पार्ट 1 क्या बोलता है? इसमें
पार्ट वन जो है 10 चैप्टर कंटेन करता है, पार्ट वन 10 चैप्टर कंटेन करता है। उसके बाद पार्ट वन ए जो होता है वो करता है डील किस में, आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया में, डील्स विद द आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। पार्ट वन 10 चैप्टर कंटेन डील्स विद आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। पार्ट टू 2 चैप्टर कंटेन करता है। पार्ट थ्री इसमें डील विद कॉन्सिलिएशन जो आगे पढ़े थे। पार्ट फोर प्रोवाइड सप्लीमेंट्री प्रोविजंस, ठीक है। अब आ जाओ, द फॉलोइंग आर द मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द 1996 एक्ट। इसमें क्या है, पहला एन एक्सटेंसिव एक्ट। अब ये क्या है, एन एक्सटेंसिव एक्ट है जो कि क्या डील करता है भाई, किसमें ये डील करता है, डोमेस्टिक इंटर स्टेट इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में। डोमेस्टिक इंटर मतलब एक से दूसरा स्टेट का जो है इंटर स्टेट में करता है, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में भी करता है ये, ठीक है, जो कि आगे उस समय पढ़े हैं। मतलब डोमेस्टिक अगर कुछ कमर्शियल में प्रॉब्लम आता है तो करता है, इंटर स्टेट दो स्टेट के बीच में झमेला आ गया तो करता है, इंटरनेशनली कोई कंपनी के साथ कमर्शलाइजेशन में अगर परेशानी आ गया तो ये आर्बिट्रेशन में आ जाता है, ठीक है। तो एन एक्सटेंसिव एक्ट बोलते हैं, प्रोवाइड्स यूनिफॉर्म मॉडल लॉ ऑन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन, ठीक है, यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म मॉडल लॉ करता है ये बराबर, ठीक है, ऑन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन पे। सेकंड है ए सेल्फ एक्सप्लेनेटरी स्टैट्यूट। अब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी स्टैट्यूट कैसे बोल रहे हैं इसको, स्पेसिफिकली प्रोवाइड्स द प्रोसीजर फॉर आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल एंड ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर स्टैट्यूट्स ऑफ ट्राइब्यूनल टू बोर्ड ऑफ आर्बिट्रेशन, ठीक है। इस क्या बोलता है कि स्पेसिफिकली प्रोवाइड, एकदम पर्टिकुलरली वो जो प्रोसीजर होता है आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल का वो प्रोवाइड कराता है, और भी क्या करता है कि स्टैट्यूट ऑफ ट्रिब्यूनल टू बोर्ड ऑफ आर्बिट्रेशन, मतलब इसमें कुछ ऐसे नियम बनाए गए हैं और दिया गया है बोर्ड ऑफ आर्बिट्रेशन का जिससे कि वो लोग गाइड करें, ठीक है। सेकंड क्या है, इट इंक्लूड्स डोमेस्टिक प्लस इंटरनेशनल, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन लॉ को इंक्लूड करता है, कौन सा 1996 का एक्ट, एकदम पानी जौल मुतुन। सेकंड पॉइंट, रिस्ट्रिक्शन ऑन जुडिशियल पावर। अब इसमें थर्ड क्या पॉइंट है इसका, करेक्टरिस्टिक रिस्ट्रिक्शन करता है ऑन जुडिशियल पावर के, इट हैज लिमिटेड द जुडिशियल इंटरवेंशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ आर्बिट्रेशनल लॉ। अगर कोई आर्बिट्रेशन में चला गया तो जुडिशरी वहाँ पे इंटरफेयर नहीं करेगा, लेकिन हम लोग आगे पढ़े हैं कि हाईकोर्ट को ये प्रोविज़न दिया गया है इस 2019 में कि वो इंटरफेयर करे, कुछ लॉ उसके लिए बना दे, लेकिन जब प्रोसीडिंग चले तो वो हाईकोर्ट इन्वॉल्व नहीं होगा, ठीक है। सेक्शन 5 क्या बोलता है कि नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बींग इन फोर्स इन मैटर्स गवर्न बाई दिस पार्ट नो जुडिशियल अथॉरिटी शैल इंटरवीन एक्सेप्ट वेयर सो प्रोवाइडेड इन दिस पार्ट, जो बोले अभी सेक्शन 5 में ये मेंशन किया गया है कि कंटेन इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बींग इन फोर्स इन मैटर गवर्न बाई दिस पार्ट नो जुडिशियल अथॉरिटी शैल इंटरवीन एक्सेप्ट वेयर सो प्रोवाइडेड इन दिस पार्ट, जहाँ पे वो प्रोवाइड किया गया, जो जहाँ पे वो प्रोविजन दिया गया है वहीं पे जुडिशियल इंटरवेंशन हो सकता है, अपार्ट फ्रॉम दैट जुडिशरी विल नॉट इंटरवीन इन टू द मैटर। पॉइंट 4 कर क्या बोलता है, डिटेल प्रोसीजर फॉर कंडक्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, डिटेल प्रोसीजर फॉर कंडक्ट ऑफ आर्बिट्रेशन कैसे, कहाँ मेंशन है, सेक्शन 18-27 ऑफ द आर्बिट्रेशन एक्ट, ठीक है, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट 1996, किसमें सेक्शन 18-27 किस, डिटेल प्रोसीजर फॉर कंडक्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। नेक्स्ट समर पावर ऑफ द कोर्ट, सेक्शन 27 क्लॉज 1, कोर्ट असिस्टेंस कैन बी प्रेड फॉर टेकिंग एविडेंस ओनली विद द प्रायर परमिशन ऑफ द आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल, ठीक है। कोर्ट का असिस्टेंस हम लोग ले सकते हैं, लेकिन कब, आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल का परमिशन के बगैर हम लोग नहीं ले सकते। ये किसमें दिया गया है, सेक्शन 27 क्लॉज 1 में, परमिशन ऑफ द आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल के बगैर नहीं होगा। सेक्शन 29 क्लॉज बी, प्रोसीजर ऑफ फास्ट ट्रैक कोर्ट हैज़ बीन इंसर्टेड, फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रोविजन इसमें आ गया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 29 क्लॉज बी में। चलो यहीं तक रखते हैं इसको, सेकंड पार्ट विल कम वेरी सून, थैंक यू।